बेनिफिट बनी क्लास टेन। सो इन द राइटिंग सेक्शन आज हम बात करते हैं हमारे पैराग्राफ राइटिंग, इसको हम सीखते हैं कि हम पैराग्राफ राइटिंग को किस तरीके से लिखते हैं। यानी कि आउटलाइंस आपको दी गई है, आपको उन आउटलाइंस को ही बेस करके आपको अपना जो पैराग्राफ है वो लिखना है। टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि आपको किस टॉपिक से अपना पैराग्राफ लिखना है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको समझना है, उन्हें याद रखना है जब आप अपना पैराग्राफ लिखें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ शुड बी विद इंट्रोडक्शन एंड शुड बी विद कंक्लूजन। कि आप जब भी अपने पैराग्राफ की शुरुआत करें और उसका अंत करें तो शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्शन, यानी कि जो टॉपिक आपको दे रखा है पैराग्राफ का उससे करें। पहले टॉपिक के बारे में परिचय दे और उसका जो एंड है जब उसको आप खत्म करें अपने पैराग्राफ को तो उसका निष्कर्ष जरूर निकालें। सेकेंड है बिगनिंग एंड एंड शुड नॉट बी मोर देन वन और टू सेंटेंसेस। कि पैराग्राफ की बिगनिंग और एंड इसमें दोनों में एक या दो से ज्यादा सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, मतलब दो सेंटेंसेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए बट आपको ज्यादा लंबा हो जाएगा। थर्ड है जो टॉपिक इज बेस्ड ऑन रियलिटी डेली हैबिट और प्रेजेंट एक्सपीरियंस देन इट विल बी रिटन इन प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपका टॉपिक आपकी डेली रूटीन पर, डेली हैबिट पर या कोई ऐसा टॉपिक है जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस पर बेस्ड है तो आप उसमें प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस यानी कि वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज करें। फोर्थ है पास्ट एक्सपीरियंस लाइक विजिट्स इंसिडेंट्स रिपोर्ट एक्सेट्रा आर रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट और सिटिंग फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि कोई ऐसा टॉपिक जिसमें किसी यात्रा के बारे में, कोई भूत के अनुभव, भूतकाल के अनुभव के बारे में या कोई यात्रा के बारे में, कोई एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है तो उसमें आप पास्ट टेंस यानी कि सिंगल फॉर्म को यूज करेंगे। फिर टेंथ है रिपीटेशन ऑफ मैटर ऑफ यूज। आप जो भी मैटर लिख रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके व्यूज है उनको आप रिपीट ना करें, उनको दोहराएगा। सिक्स है राइट टू द पॉइंट एंड केयरफुल अबाउट थिंग। जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं, जो भी आपकी जो भी आपका पॉइंट, जो भी आपका मैटर है उसको टू द पॉइंट लिखें, बिल्कुल एक्यूरेट लिखें, उसको रिपीट ना करें और जबकि मेन थीम है उसे भटके ना। जो चीज पूछी गई है केवल आप उसी के बारे में लिखें, उसके अलावा और कुछ ना लिखें। नेक्स्ट है देयर शुड बी सीक्वेंस इन द मैटर। जो भी मैटर आप लिख रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं उसमें सीक्वेंस यानी क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक के बाद एक चीजें जो है एक दूसरे से मैच करती हुई होनी चाहिए, ऐसा ही आपका पैराग्राफ होना चाहिए। लास्ट है नो वर्ड शुड बी रिपीटेड यूज इट सिनोनिम्स से क्लियर। आपको आपका पैराग्राफ आपकी जो वर्ड्स है पैराग्राफ के उनको आपको रिपीट नहीं करना है। अगर वो जरूरत पड़ती है तो आप उसकी सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची भी पर्यायवाची यूज करें, क्योंकि हम एक ही वर्ड को जब यूज करते हैं बार बार तो जो हमारा पैराग्राफ है वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, उसका इंप्रेशन खत्म हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छा स्कोर करने में, मतलब राइटिंग सेशन की बात कर रही हूँ मैं, कि पैराग्राफ या ऐसे जो भी हम लिखें तो उसको लिखने में आपकी हेल्प करेंगे और अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने कहा था कि पैराग्राफ के बारे में, पैराग्राफ राइटिंग के बारे में समझाया था कि हम पैराग्राफ राइटिंग क्योंकि मतलब जब हम उनकी शुरुआत करते हैं आपकी किसी भी पैराग्राफ के लिखने की तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उन्हीं चीजों को आज हम कंटिन्यू करते आगे अपना एक पैराग्राफ लिखा विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन टेबल मिलो, जिसके मतलब आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, टॉपिक आपको अपने आप लिखना है, आपको सिर्फ आउटलाइन मिलेगी, उन्हीं आउटलाइन के बेसिस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 60 वर्ड्स में। और मैंने कहा था, मैंने आपको जैसे बताया कि पैराग्राफ लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो, इम्प्रेसिव हो और जो आपका बिगनिंग है और जो उसमें जब आप किसी चीज के बारे में टॉपिक के बारे में जब आप इंट्रो दें तो वो एक या दो लाइन से ज्यादा ना हो, कंक्लूजन भी एक या दो लाइन से ज्यादा ना हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप आपके पैराग्राफ में बिगनिंग और कंक्लूजन दोनों होना चाहिए, तभी हमारा पैराग्राफ उतना सही माना जाता है। और जैसे मैंने कहा कि ज्यादा लंबे सेंटेंस ना बनाए, कोशिश करें कि शॉर्ट सेंटेंस लिखें लेकिन ग्रामेटिकली परफेक्ट लिखें। सो लाइक योर आउटलाइंस आर गुड, माय हॉबी इज इन पास्ट लाइफ पेंटिंग, आई एंजॉय लाइक टू ड्रॉ लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स, स्टील लाइफ स्टाइल, विजन इंडस्ट्रीज, ये कुछ आपको आउटलाइंस दे रखी है। अब उन्हीं आउटलाइंस के बेसिस पर हमें अपना पैराग्राफ लिखना है।
इम्पोर्टेंट हेल्प के लिए दी जाती है कि जिसको आप रेफर करें अपनी लैंग्वेज में और एक पैराग्राफ के रूप में उसको लिखें। जैसे मैंने कहा आपको कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ है, अब इस बेसिस पर आपने अपना टॉपिक लिखा माय हॉबी यानी कि मेरी अभिरुचि। सो पहले तो आप इंट्रोडक्शन देखिए हमारे टॉपिक के बारे में कि वॉट इज हॉबी, क्या मतलब होता हॉबी का। सो हॉबीज प्ले इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। हॉबीज हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। खाली और समय घंटे या समय, तो जो हमारी हॉबीज है हमें हमारे खाली समय में हमारी लाइफ को खुश बना देता, हमें खुश रखती है, हम बिजी रहते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन माय टॉपिक के बारे में। अब आपको बता रहे हैं कि आपकी हॉबीज क्या क्या है या आप किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो माय हॉबीज पेंटिंग, यहाँ पे आपकी इच्छा है, आपको क्या अच्छा लगता है। सो माय हॉबीज पेंटिंग, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दे रखा है ट्राइनिंग पेंटिंग के बारे में, इसीलिए हमें यहाँ पर ट्राइनिंग पेंटिंग ही लिखना पड़ेगा। माय हॉबीज पेंटिंग इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। मतलब ड्रॉइंग और पेंटिंग ये जो मेरी हॉबी है, ये सब करना मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। आई लाइक टू पेंट विद ऑयल कलर्स, वाटर कलर्स, पेंसिल कलर्स, मीन्स मुझे अलग अलग कलर से पेंट करना पसंद है, चाहे वाटर कलर्स हो, चाहे वो पेंसिल कलर्स हो या ऑयल कलर्स हो। आई लाइक टू ड्रॉइंग पेंट माउंटेन्स, लैंडस्केप, अभी देखो यहाँ पर भी आ रही है शाइन्स, पोर्ट्रेट्स, रिवर्स, यूनो फिगर्स एक्सेट्रा। मुझे क्या क्या बनाना पसंद है, माउंटेन्स, लैंडस्केप्स यानी कि प्राकृतिक जो चित्र होते हैं वो, पोर्ट्रेट्स, रिवर्स, यूनो फिगर्स एक्सेट्रा। आज इसमें एज मच टाइम एज पॉसिबल टू माय हॉबी, जितना समय मैं दे सकती हूँ अपनी हॉबी को उतना देती हूँ। आई कॉन्स्टेंटली ट्राई टू रिडीम माय हॉबी, और मैं हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि मैं अपनी हॉबी को मतलब अपनी हॉबी में लगी रहूँ, उसको खत्म ना होने दूँ, क्योंकि मेरी हॉबी है उसको मैं बरकरार रखूँ। बट ऑलवेज टेक केयर दैट इट डजंट इंटरफेयर विद माय स्टडीज, ये लाइन आ गई। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कोशिश करती हूँ कि इससे मेरी स्टडीज में कोई बाधा ना होता हो। ये हो गया हमारा कॉन्क्लूजन, ये हमारी विधि। तो इस तरीके से ये हमारा एक शॉर्ट पैराग्राफ जिसको हमें सिक्स वर्ड्स देखना है वो हमने लिखा। और देखो हमने कि जो हमारे सेंटेंस है वो बहुत शॉर्ट है, टू द पॉइंट लिखा हमने। हमने उसमें ज्यादा यूजेस बातें नहीं लिखी है कि हम ये भी कर सकते हैं, हमारी हॉबीज ये भी हो सकती है, नहीं। क्योंकि हमसे 60 वर्ड्स में पूछा गया है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम 60 वर्ड्स के अंदर अंदर अपना पैराग्राफ कंप्लीट करें। होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और कि हमको किस तरीके से लिखना है ये भी समझ में आ गया। थैंक यू।